मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रदेश में 4 नए जिले बनाने की कवायद के बीच सारंगढ़ में सरिया ब्रह्मकिला अंचल को शामिल किए जाने को लेकर विवाद गहराते जा रहा है। कुछ दिन पूर्व सरिया और ब्रह्मकिला के निवासी सीएम भूपेश बघेल के पास भी गए थे। सभी लोग रायगढ़ में रहने की सहमति जता रहे थे, लेकिन आज बैठक बुलाकर ब्रह्मकिला ब्लॉक के 62 पंचायत सारंगढ़ जिले में रहने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, मगर अब भी सारंगढ़ जिला इसी तरह के विवादों से घिरता जा रहा है। आपको बता दें, ब्रह्मकिला ब्लॉक में 2 विधानसभा एवं 2 विधायक होने से 2 गुटों में बढ़ते नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत लेंद्रा में सारंगढ़ विधानसभा अंतर्गत 62 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े भी उपस्थित रही। ब्रह्मकिला के 62 सरपंचों ने सारंगढ़ जिले में रहने की सहमति दे दी है। सारंगढ़ विधायक ने सभी सरपंचों को आश्वस्त किया है कि किसी को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। सरपंचों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय अधिकारी सरपंचों को भाव नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विधायक ने आश्वासन दिया है कि कोई अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि को प्रताड़ित नहीं करेगा, यदि वह ऐसा करता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। आज का बैठक सारंगढ़ जिला निर्माण के बाद जो परिस्थितियां यहां उत्पन्न हुई थी ब्रह्मकिला में, उस संबंध में सारंगढ़ विधायक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी सरपंचों को और प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहां बुलाया था बैठक में, और जो एक भाजपा वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैला के रखे थे कि ब्रह्मकिला वालों को अपना काम करवाने के लिए बिलाईगढ़ 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो उन्हीं सभी बातों को हम लोगों ने स्पष्ट किया कि आपको ब्रह्मकिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर में जिला न्यायालय, जिला कलेक्टर, एसपी कार्यालय, सारे ऐसे कार्यालय जो जनता के रोजमर्रे के काम में आते हैं वो सारे विभाग और कार्यालय यही होंगे। अब पूरे 62 सरपंच आए थे, यहाँ उपस्थित हुए थे, और सभी सरपंचों ने आम राय से ये जताया कि हम सारंगढ़ विधायक के विधानसभा क्षेत्र से हैं, उनके सारंगढ़ जिले में ही रहे। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी लंबी समय से जो सारंगढ़ जिला बनाने का जो मांग चल रहा था उसको 15 अगस्त तक वो पूरा किए हैं, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और ये इस बात को भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों द्वारा लोगों को बरगलाया जा रहा है कि बिलाईगढ़ में जो ऑफिस खोला जाएगा और यहाँ से लंबी दूरी हो जाएगी करके, तो इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 25 करोड़ रुपया सारंगढ़ जिला के लिए निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए दे दिए हैं और कलेक्ट्रेट का जल्द संचालन होगा। आज जो सरपंच संघ के जो बैठक हुई थी इस बात का लेकर के हुई थी कि उनको जो बरगलाया जा रहा था, तो सारंगढ़ विधायक आदरणीय उत्तरी गणपत जांगड़े जी के द्वारा यहाँ बैठक बुलाया गया था, उनको समझाया गया था कि सारंगढ़ में ही मुख्यालय में सब कार्यालय खोला जाएगा और इस क्षेत्र के लिए सबसे दूरी कम होगी करके इस सब को बात बताया गया है। मैं और स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मैं डोंगरीपाली क्षेत्र से रहता हूँ और डोंगरीपाली क्षेत्र पूर्व जो अभी वर्तमान में जिला है रायगढ़, वो 90 किलोमीटर पड़ता है और सारंगढ़ डोंगरीपाली क्षेत्र से 40 किलोमीटर की दूरी में होगी, और हम 40 किलोमीटर की दूरी में सारे ऑफिस, सारे सुविधा हमको मिलेगा, तो हम सारंगढ़ का स्वागत करते हैं। जी, विधायक महोदय द्वारा बैठक बुलाया गया था जिला निर्माण के संबंध में, जो कि सारंगढ़ विधानसभा में 62 सरपंच हैं और हम लोग 62 सरपंच सारंगढ़ विधानसभा से हैं और हम मतदाता हैं, और सारंगढ़ में अगर शामिल होता है तो अच्छा होगा, क्योंकि छोटा जिला बनने से सबको फायदा होगा, सभी का स्थिति सुधरेगा, विकास होगा, हर गांव में विकास होगा। 62 पंचायत से सभी को बुलाए थे, लगभग सभी आ गए हैं और सब ने अपना सहमति दे दी है। ब्रह्मकिला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN24।